हेलो आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है क्वांटिफाइड कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार हैं जिसमें हम सबसे पहले क्वांटिफायर्स एंड एम्प्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं उसके बाद क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स के निगेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड सबसे लास्ट में कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के बारे में सीखेंगे तो चलिए अब हम अपना पहला कॉन्सेप्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि है क्वांटिफायर्स सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि क्वांटिफायर्स को यूज क्यों किया जाता है तो मोर कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स के फॉर्मेशन में हम क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं जैसा कि अभी तक हमने सिंपल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है तो अब हम कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे यानी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स सिंपल स्टेटमेंट्स का यूज करके बनाए जाते हैं जिनमें कुछ फ्रेजेस का यूज होता है इन्हीं फ्रेजेस को क्वांटिफायर्स कहते हैं हम इस चैप्टर में मेनली दो टाइप्स के फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्वांटिफायर्स कहलाते हैं उनमें पहला फ्रेज है देयर एग्जिस्ट जिसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यह होता है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर ई e का मिरर इमेज है एंड इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन क्वांटिटी तथा दूसरा फ्रेज है फॉर ऑल जिसका मैथमेटिकल सिंबल यह होता है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर ए का मिरर इमेज है एंड इसका मतलब होता है ऑल क्वांटिटीज। यही दोनों फ्रेजेस क्वांटिफायर्स कहलाते हैं जो कि हम आगे यूज करने वाले हैं तो चलिए अब इसे हम मैथमेटिकली अच्छे से समझते हैं लेट एफेक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम आर टू आर मतलब दिए गए फंक्शन एफेक्स के डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स के सेट्स हैं जहां एक्स भी एक रियल नंबर ही है अब अगर ऐसा एक्सप्रेशन गिवेन है तो इसका मतलब होगा देयर एक्ट्स एन एक्स सच दैट f(x) होल्ड्स मतलब एटलीस्ट एक एक्स ऐसा एक होगा जिसके लिए दिया गया फंक्शन डिफाइंड होगा और यदि ऐसा एक्सप्रेशन गिवेन है तो इसका मतलब होगा फॉर ऑल एक्स इट इज द केस दैट f(x) होल्ड्स मतलब एक्स की सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन एफेक्ट्स डिफाइंड होगा यहाँ इन दोनों कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है जहां हमने क्वांटिफायर्स देयर एग्जिस्ट एंड फोर ऑल का यूज किया है चलिए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं हमें कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन गिवेन है जिसका मतलब होगा देयर एग्जिस्ट एंड एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर मतलब एटलीस्ट एक एक्स ऐसा एक होगा जिसके लिए दिया हुआ फंक्शन एक्स स्क्वायर इज इक्ल टू फोर डिफाइंड है एक और एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार गिवेन है जिसका मतलब होगा फॉर ऑल एक्स इट इज द केस दैट एक्स स्क्ल टू फोर मतलब एक्स की सारी वैल्यूज के लिए दिया हुआ फंक्शन एक्स स्क्ल टू फोर डिफाइंड होगा तो हम यहां देख सकते हैं कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर इजक्ल टू फोर को सॉल्व करने पर एक्स की दो वैल्यूज प्राप्त होती हैं जो कि है टू एंड माइनस टू मतलब एटलीस्ट एक एक्स तो ऐसा है ही जिसके लिए यह स्टेटमेंट ट्रू होगा मगर ऑल एक्स के लिए यह पॉसिबल नहीं है जिससे यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है आई होप कि आपको क्वांटिफायर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे